एक प्रसंग आपको सुनाऊं। सुग्रीव जी एक घंटा पहले कह रहे थे, बाली मेरा भाई रिपसम मोहि मारे सिभारी हर लीने सरबत अरुण, एक घंटे बाद कह रहे हैं, बाली परम हित जा सुप्रसादा मिले हु राम तुम समन। अब ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करी हूँ सेवकाई, ये सब राम भगत के। एक घंटे में स्टेटमेंट बदल गया। क्या कहेंगे आप? मनुष्य जैसा चिंतन कर ले वैसा स्टेटमेंट आ जाता है। एक परिकल्पना लाइए जीवन में, मन में, हृदय में, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे सुखी कोई नहीं जी। ये परिकल्पना है, अपने से अच्छा नहीं, अपने से सुखी नहीं। क्यों? सुख की परिभाषा तो आप बनाए हैं ना। सुखी है, सुखी रहिए, इसी का जप करिए। अरे महाराज क्या बताओ, आप नहीं जानते हैं ना। एक एक भाई हमारे से मिलने आए, बहुत पहले की बात है, तो पूछा कहो कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? हमारा तो सब ठीक है भैया, बहुत परेशान करे थे। तो हमने कहा घर छोड़ दा, और तो कहाँ रही, जहाँ नौकरी करता वहीं आनंद करा। कहे लेकिन अपन घर द्वार कैसे छोड़ दी? हमने कहा ना छोड़वा तो कपार फोड़वाओ। अब क्या है, अब दवाई बतावे लोग खाते नहीं है, फिर ये पूछेंगे गर्म पानी से ठंडे पानी से, सुबह शाम खाने के बाद खिचड़ी खाना है कि दाल रोटी खाना, नहीं मकुनी खाना है। अब आपको कोई दवा दे रहा है तो उसको खाओ, आनंद मनाओ। सुखी रहने के लिए सामग्री नहीं चाहिए, मन की स्थिति चाहिए। मन की स्थिति आपके भाव में यदि सकारात्मक है तो आपसे सुखी कोई नहीं, और नकारात्मक चिंतन बना तो आपसे दुखी कोई नहीं। सकारात्मक रहिए और आनंद में रहिए। हा, सुख दुख में उलझिए नहीं, आनंद है। भरत भैया अयोध्या में आनंदित हैं, प्रभु वन में आनंदित हैं। जिस ऋषि मुनि के पास जाते हैं सब लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और सबको स्नेह देते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं। अयोध्या की प्रजा आई, मिल गई, आते जाते रहेंगे लोग, यह सोचकर भगवान आगे चल दिए, आगे बढ़े। कोई एक अत्र के आश्रम जब प्रभु गयु सुनत महामुनि हर्षित भयउ पुलकित गाते अत्रि उठि आतुर चली। प्रभु आसन यासीन भरि लोचन शोभा निरख मुनिवर परम प्रवेश स्तुति कर। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शैल कोमलम, मंगलम।
वासिनः सदा भजन्ति मोक्तये मुदा करि मुनि नाय सिर कह कर जोरी चरण सरोज